Hello, students. Today we discuss the factors behind the success of a democratic government. In that, right to freedom. In previous video, we already discussed key features of a democratic government, also, the definition of a democratic government and the people's participation. Here, right to freedom we know that in a democratic country every people have right to freedom freedom means freedom in sense of expression speech movement professional profession and religion the freedom freedoms are given to the citizen in democratic country इंडिया इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वेयर सिटीजन्स आर गारंटीड टू राइट टू फ्रीडम बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया किसी भी धर्म को अपनाने के लिए किसी भी अभिव्यक्ति के लिए किसी भी बात को बोलने के लिए कोई भी पीसफुल मूवमेंट चलाने के लिए कोई भी पेशा चुनने के लिए भारत में आज़ादी है चूँकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है इसके लिए और बिना किसी डर के पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूज़पेपर टेलीविजन रेडियो फिल्म के द्वारा आप अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं ये सब किस में आ जाएगा राइट टू फ्रीडम है ओके नाउ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट वी नो दैट कॉन्फ्लिक्ट आर कॉमन थिंग्स इन ए पर्टिकुलर एरिया इन ए पर्टिकुलर कंट्री बट In a democratic country, we should try to discuss, manage the, to resolve conflict without war. Uh, conflict takes place when people of different caste, religion, reason, economic background disagreed with each other and discriminated. Sometimes it turns to violent and create tension and increase insecurity in the minds of the people. We can also solve it by dialogue with the aggressive group of people. Some of these conflicts which usually take place in our society are following religious processions. When When taken by a particular route, may not be liked by the people belonging to the other religion. It can lead to the conflict and creation. आपने देखा होगा कि मुहर्रम के जुलूस को लेकर के रामनवमी के जुलूस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है लेकिन इसको जो है वो हम बातचीत के तरीका से भी सुलझा सकते हैं या जनरली उस रूट का इस्तेमाल करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना हो उसके बाद दूसरा उदाहरण है वाटर से लेकर के कावेरी डिस्प्यूट्स इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका द टू स्टेट्स डिड नॉट कम टू द कंक्लूजन ओवर द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ द रिवर कावेरी और फाइनली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया कि 419 मैट्रिक फोर हंड्रेड मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर एनुअली टू तमिलनाडु एंड 270 हंड्रेड सेवेंटी Thousand million cubic feet of water of Karnataka and also thirty thousand million cubic feet of water in Kerala and seven thousand meter million cubic feet to Paducherry and thereby bringing a thirty year old dispute to the end. मेनली क्या था कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में ये डिस्प्यूट था लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश आया तो क्या हुआ कि ये जो कावेरी नदी है जो जिन राज्यों होकर के गुजरती है वो सभी को फायदा मिला तो इस तरह से सॉल्व होना चाहिए मतलब ठीक है कि तमिलनाडु और कर्नाटका में ज्यादा एरिया में है तो वहां पे ज्यादा पानी मिला लेकिन वही जो नदी है वो केरला और पांडुचेरी होकर के गुजरती है तो उनको भी पानी मिलना चाहिए इसी तरह के से कृष्णा रिवर वाटर जो है वो इसी तरह का पंजाब और हरियाणा में रावी ब्यास वाटर इशू जो है वो या भारत और पाकिस्तान के बीच में भी आप देखिएगा ये पानी को के लेकर के तो क्या होता है कि वाटर कन्फ्लिक्ट जो है वो जनरली एराइज होता है स्कॉर्सिटी ऑफ वाटर ड्यू टू स्केंटी रेनफॉल बहुत ज्यादा बारिश से एंड टाइम्स बिकॉज फॉल्टी वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस के द्वारा अब बात करते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वालिटी और जस्टिस जो है वो एक ही क्वाइन के दो पहलू हैं अगर आप जस्टिस की बात करते हैं और इक्वालिटी नहीं है तो इसको लागू नहीं किया जा सकता है इक्वालिटी एंड जस्टिस कैन नॉट बी सेपरेटेज एज दे आर दी टू साइड ऑफ द सेम क्वाइन जस्टिस कैन नॉट बी अचीवड अनलेस दीपल आर ट्रीटेड इक्वली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एबोलाइज अनटचेबिलिटी फॉर इक्वेलिटी समाज में इक्वैलिटी लाने के लिए ही अनटचेबिलिटी को एबोलाइज किया गया और अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर द एस सी एस टी एंड ओबीसी and other minorities to bring them as a part with the other communities women of india face discrimination from the birth also literacy rate sex ratio rate of the female is also low the population of male to female in a given population is termed as sex ratio in india the present time is an alarming 927 female to every 1000 male opportunity have to be created for people who are not at a part due to historical and social factor treating them equality and looking after their interests. इशूज एंड कॉन्फ्लिक्ट इफ एनी शुड बी पीसफुली रिजोल्व ओनली देन द डेमोक्रेसी इज एबल टू फंक्शन एट इट बेस्ट ओके नाउ फ्यू लाइन अबाउट सुंदरलाल बहुगुना एज गढ़वाल उत्तराखंड एंड फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी he began to start the chipko movement for the protest of uh, plant tree and also protest against the tehri dam mining deforestation and therefore in 26th january 2009 he achieved um, highest second civilian award padma bhushan and also he protests against the evil social practice of untouchability and prohibition of the sale of the liquor, okay. In next video we discuss about the question answer, okay Thank you, thank you very much.